नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप मेरे चैनल आज कुछ प्लान के आने में। दोस्तों जब आपने ये मेरा वीडियो देखी होगी तो आपने मैं थंबनेल तो पढ़ा ही होगा। मैं थंबनेल में कुछ बताने वाला हूँ आखिर कैसा गया एग्जाम, कहाँ से चेक कर रिजल्ट, तो उन सभी जानकारी को मिलेगी। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और दोस्तों बता दूं कि आप लोगों के मन में खुशी तो लहर दौड़ ही गई होगी ट्वेल्थ कंपार्टमेंट भाई वालों की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट ख़त्म हो चुकी है। आखिर यार बहुत दिनों की मेरी मेहनत थी, मतलब करीब करीब 6 महीने की आपने मेहनत की थी। करीब करीब अपने मार्च में जो एग्ज़ाम दिया था, फरवरी में एग्ज़ाम दिया था, उस समय से इंतजार करते 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 फिर लटकी आखिरकार आज जाकर सफल हो चुकी है। अभी भी सफल मत कहिए क्योंकि अभी रिजल्ट आने में समय लगेगी। मैं आपको आगे बताऊँगा कि रिजल्ट किस दिन आएगी, इस वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, इस वीडियो को देखते रहे। और दोस्तों जब आपने ये वीडियो देखे होगी तो इस वीडियो देखने से पहले आपने मेरा थंबनेल तो पढ़ा ही होगा। थंबनेल मैंने मिटू मोटी अच्छे में लिखा था कि आखिर कैसा गया एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ठीक है, और कुछ बताऊंगा भी। उसके लिए आप इंतजार ना करें। यहाँ देख सकते हैं मेरा थंबनेल है कि आखिर कैसा गया एग्ज़ाम, ट्वेल्थ कंपार्टमेंट एग्जाम का कितना परसेंट उम्मीद है रिजल्ट की, आखिर कब तक आएगी रिजल्ट, चेक कैसे कर रिजल्ट, ये सभी बच्चों की जानकारी दूंगा, ठीक है। घबराए नहीं, सब रिजल्ट दूंगा। तो दोस्तों शुरू करता हूँ छोटी सी इंटरव्यू के बाद, उसके लिए माफी चाहता हूँ। दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन था कि आखिर कैसा गया एग्जाम। इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए दोस्तों आपके पास इसका बताने के लिए आंसर दोस्तों आपको मैं पेपर में कुछ खबर दिखाना चाहता हूं, तो खबर दोस्तों देख ले, ठीक है। तो मैं खबर अभी दिखा देता हूं आपको आखिर कैसा गया एग्जाम। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, और पेपर में खबर, ये पेपर हिंदुस्तान की है और आज की पेपर है। आपने पढ़ी नहीं होगी तो पढ़ लेना जाकर, ये हिंदुस्तान की पेपर है कि उसमें साफ साफ एकदम हेडलाइन मूड में लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो एकदम हेडलाइन में लिखा हुआ है कि कदाचार हुई इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा। आखिर भाई कदाचार हुई तो क्या हुई, कैसे हुई, तो चलो देख लेता हूँ। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2018 शुक्रवार को संपन्न हो गई है और सातवें दिन शुक्रवार को पहली पाली में विज्ञान संकाय की विद्यार्थियों के लिए रसायन शास्त्र की परीक्षा हुई थी, पता होगा आपको बायोलॉजी की हुई थी, और राज्य भर के 205 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराई गई। रसायन शास्त्र में 85,169 छात्र विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। प्रथम पाली में ही कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान की परीक्षा हुई, इसमें कुल 1,933 छात्रों ने फॉर्म भरा था। दूसरी पाली में वोकेशनल विषय की परीक्षा थी जिसमें शामिल होने के लिए 12 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, और समिति से मिली जानकारी के अनुसार पटना जिला के सभी केंद्रों पर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हो गई। बता दें आपको कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 13 जुलाई से शुरू हुई थी, वही कंपार्टमेंट परीक्षा की पहली बार वार्षिक परीक्षा 2018 की भांति सभी विषयों में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पे एक बात दोस्तों गौर कर लेना आप, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो देखो कि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर कि आपको जो है सो एग्जाम बिल्कुल आपको बिल्कुल बोर्ड की तरह ही हुआ था। आखिरकार इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हो सकता है दोस्तों कि अगर आपकी जो रिजल्ट आएगी, उसकी जो मार्कशीट आएगी, सो हो सकता है बोर्ड की तरह ही मार्कशीट हो। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आ जाकर मेरे चैनल पर देख लेना, ठीक है, कि हो सकता है। तो इस बार दोस्तों संभावना है, अपने खुशी की लहर मन में उठ सकती है कि हो सकता है बिल्कुल बोर्ड की तरह भी एग्जाम आपको ले सकती है, मतलब बोर्ड की तरह आपको मार्कशीट दे सकती है, क्योंकि एग्जाम सेम नहीं है इस बार, तो ये आपकी मार्कशीट भी बिल्कुल बोर्ड की तरह मिल सकती है, ये संभावना आपको बन सकती है। है दोस्तों आगे चलता हूँ, जिसका उत्तर विद्यार्थियों ने OMR सीट पर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष अनंत कुशल ने बताया है कि दो पालियों में आयोजित परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त रही है, अर्थात दोस्तों की इस बार कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं। शायद आपको पता होगा कि जो अभी कुछ दिन पहले आपके घर में कोई BED का एग्जाम दिए होंगे, BED का दोस्तों PH का एक ऐसा एग्जाम इस पर हुआ है बिहार में कि इस बार एकदम कदाचार मुक्त हुई है, कहीं पे कोई पेपर लीक की संभावना नहीं आई है और न ही कुछ ऐसा हुआ है। यानी बिहार में कुछ ऐसा एग्जाम होता ही नहीं था जिसमें हंगामा दोस्तों नहीं होता था, ठीक है। तो इस बार जो एग्जाम हुई दोस्तों BED की, उसमें भी नहीं हंगामा हुई, और जो आपकी एग्जाम हुई है कंपार्टमेंट की दोस्तों, उसमें भी काफ़ी कम हंगामा हुई है। अब दोस्तों मैं देख लूँ अगर मैट्रिक की तरफ, तो मैट्रिक की जो है सो 31 जुलाई से शुरू है, 2 अगस्त से चलेगी, आपको पता ही होगा। खैर दोस्तों मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग शायद आप लोग का ये जवाब मिलेगा कि आखिर कैसा गया रिजल्ट, आई कैसा गया एग्जाम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठती है कि आखिर कितना परसेंट उम्मीद है कि रिजल्ट कितना परसेंट उम्मीद आएगा। दोस्तों देख लो कि साफ साफ क्लियर है यहाँ पर कि बता दिया गया है कि जो ट्वेल्थ कंपार्टमेंट जो एग्जाम हुई है दोस्तों कि उसमें काफ़ी अच्छा एग्जाम गया है सभी का, और हमारे कमेंटर्स ने कमेंट तक बता दिए हैं कि सर मेरा रिजल्ट अच्छा अच्छा है क्योंकि मैंने एग्जाम अच्छा दिया है।
सब संतुष्ट है सब। तो उम्मीद है दोस्तों कि रिजल्ट आपका अच्छा जाएगा ही। समझिए कि अगर मैं अगर बताऊँ परसेंट के रूप में दोस्तों, तो परसेंट के रूप में आपकी जो है सर मैक्सिमम समझ लीजिए कि 50% आपकी जो रिजल्ट, मान लीजिए कि 50% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया तो उसमें सर 35 या 40% के बीच में रिजल्ट आप दोस्तों आपको अच्छा जाएगा ही, खराब जाने की उम्मीद दोस्तों है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात मन में हटा लो कि एग्जाम आपको अच्छा जाने खराब गया होगा, रिजल्ट दोस्तों अच्छा आएगा। अब मैं चलता दोस्तों चलता हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि आखिरकार देख सकते हो कि आखिरकार रिजल्ट की आखिर कब तक आएगी रिजल्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सबके मन में सवाल उठती है कि आखिर कब तक आएगी रिजल्ट। दोस्तों रिजल्ट जो है दोस्तों इसका अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक इसका रिजल्ट आ जाएगी। अगर इसका लास्ट में नहीं आएगी, जुलाई में तो आने का संभावना है नहीं है, क्योंकि जुलाई में एग्जाम जो होगी सो आप 31 जुलाई को शुरू है मैट्रिक कंपार्टमेंट के लिए, मैट्रिक कंपार्टमेंट एग्जाम के बाद ही आएगा, मतलब 2 अगस्त के बाद आपकी रिजल्ट आ सकती है। कहने का अर्थ ये समझिए, मैं आपको संभावना बता रहा हूँ, ये पूरा श्योर नहीं हूँ लेकिन ये बता रहा हूँ संभावना आपको समझिए कि रिजल्ट जो है दोस्तों आपकी 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम की रिजल्ट जो है सो जारी कर दी जाएगी। इसलिए घबराए नहीं, बहुत जल्द इसका रिजल्ट दोस्तों आपके पास आ जाएगी। अब दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसके पास मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक कैसे करें रिजल्ट की। ये बहुत बड़ी संभावना है कि चेक करके कैसे करें रिजल्ट। तो दोस्तों देख लो, चेक करने के लिए आपको एक पूरी श्योर में मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है बिहार बोर्ड का साइड जो है कहीं फंसता रहता है। तो चेक करने के लिए पास 2 उपाय है। ठीक है, मैं चलता हूँ क्रोम में, आपको दिखा देता हूँ चेक कैसे किया जाए। सबसे पहले अपने क्रोम में जो है वो खोल लो। ठीक है, और अभी मैं अभी आया नहीं रिजल्ट, लेकिन मैं आपको श्योर करवा देता हूँ कैसे करो। देख लो, एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम है सरकारीरिजल्ट.com, जानते भी होगे आपका वो। देखो यहाँ पर शो कर रही है सरकारीरिजल्ट.com, यहाँ पर उस पर क्लिक कर लो और उस साइट को खोल लो। ठीक है, और साइट को खोलते ही यहाँ पर चले जाओ दोस्तों रिजल्ट में। यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट लिखा हुआ है, इस पर चले जाओ। इस पर खैर आके सारी वैकेंसी जो आती है सरकारी नौकरी की उसकी भी आती है, और दोस्तों जो आती है टेंथ की चाहे कोई भी बोर्ड हो उसकी रिजल्ट यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हो रिजल्ट जो निकली हुई है, रिजल्ट में ही इसी में आपकी जो है सो यहाँ पर आ जाएगी बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट। तो ये एक अच्छा तरीका है सरकारीरिजल्ट.com से देखने का, यहाँ से आप देख लेना और उम्मीद कर लेना, यहाँ से आप आराम से जा सकते हो बिना कोई परेशानी का। यहाँ से आपको रिजल्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर देख लेना। जैसे देखो यहाँ पर मैट्रिक रिजल्ट आई थी आप लोग की, तो उसकी भी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, खुद अब दिखाई देता हूँ दोस्तों। यहाँ देख सकते हो कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक रिजल्ट आई थी, उसकी भी दोस्तों यहाँ पर आ गई थी, मतलब जो भी बोर्ड की रिजल्ट यहाँ पर आपको दोस्तों आ जाती है। ठीक है, एक अच्छा तरीका है आपको देखने का। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 10, यहाँ देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट, उसी तक 12th की भी यहाँ पर निकल गई थी, मतलब बहुत आसान तरीका है यहाँ से देखने का। और ये हुई फर्स्ट दोस्तों। अब ये सेकेंड उपाय क्या है कि अगर आपको देखना है रिजल्ट अपना, तो आप चले जाओ BSC का ऑफिशियल साइट पर। ठीक है ना, BSC.result.com पर चले जाओ, BSC.result.com, और जाकर यहाँ से आप देख सकते हो, माफ़ करना, BSC मैं डालता हूँ ऑफिशियल साइट में डालकर सर्च करता हूँ इसको। हाँ, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर बिहार स्कूल एडमिशन बोर्ड की आ गई। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आओगे अपडेट में, और अपडेट में जाकर वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जब खैर खुल रहा है यहाँ पर देख सकते हो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पर ये बिहार बोर्ड की लोगो खुल जाएगी आपकी, ये जो ये वेबसाइट है यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की अपना जो है वेबसाइट है। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आती है लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आई है लेटेस्ट अपडेट, माफ़ करना, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आई हुई लेटेस्ट अपडेट। इस लेटेस्ट अपडेट में जाना और यहाँ पर जो है सो जो जो आती है न्यू चीज़ वहाँ पर आपको यहाँ पर शो करवा दी जाती है। तो इसमें सर हमेशा चेक करते रहना और यहाँ पर चेक कर आप देख लेना। ठीक है, और यहाँ भी आपकी रिजल्ट जो होगी अगर आने वाली होगी तो यहाँ पर आपको आ जाएगी, और वोकेशनल कोर्स भी है जो भी हो तो यहाँ पर रिजल्ट दोस्तों आपकी संभावना है आने की। और दोस्तों इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह चेक करने की है। तो आशा करता हूँ कि आपकी सारी सवाल जो आपने मन में आपकी जो होगी सो कंप्लीट हो गई होगी। इसलिए मैं सब्सक्राइब के चैनल को जो न्यू व्यूअर्स है उसे अनुरोध करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आए की अपडेट आपको मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, जो आए रिजल्ट मैं बता दूंगा बहुत जल्द, वीडियो डाल दूंगा, सब्सक्राइब करूँ चैनल को, घंटे वाले बेल आइकन दबा दो। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।